के मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र की डबल से भर्ती कब स्टार्ट होगी? क्या 6 महीने बाद जो भी जनसेवा मित्र है उन्हें हटा दिया जाएगा, या फिर उनकी सेवा को आगे बढ़ा दिया जाएगा, या फिर जो मेरिट लिस्ट में जो जिनके वेटिंग में नाम आए थे उन्हें भी सिलेक्ट किया जाएगा? तो ये सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने वाला हूँ। मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र से रिलेटेड हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र की भर्ती कब स्टार्ट होने वाली है, जिनका पुराने वेटिंग लिस्ट में नाम है उनका कुछ होगा या नहीं, आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, चयन प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी, सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो में भी देने वाला हूं। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करके लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जैसे कि आपको सभी को पता है कि मैंने एक वीडियो भी जिसमें डाला था, जिसमें खुद शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रदेश में की जाएगी 4,700 नए सीएम जनसेवा मित्रों की भर्ती। भर्ती के साथ साथ कहा था उन्होंने चीफ मिनिस्टर यूथ इंटर्न प्रोग्राम बेस्ट टू भी जल्दी लागू कर दिया जाएगा और जिसका नोटिफिकेशन जल्दी ही AIGGP की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। और जो पुराने मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र हैं मुख्यमंत्री इंटर्न फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत सीएम जनसेवा मित्रों को मिलने वाली राशि 8,000 थी। अभी तक जो उन्हें राशि मिल रही थी वो 8,000 थी, परंतु अब उनकी राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। अब जनसेवा मित्रों को 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय प्रोवाइड किया जाएगा। अब रुकना नहीं, झुकना नहीं, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए सतत प्रयास रहे। सभी जनसेवा मित्रों का स्टाइपेंड 8,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बोला था कि जैसे ही आपको कोई नोटिफिकेशन आता है मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र बेस टू का, तो आपको जल्दी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और बात रही जिनको जिनकी पुराने वेटिंग लिस्ट में जिनके नाम थे उनका कुछ नहीं होगा, पूरे नए तरीके से मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के लिए आवेदन लिए जाएंगे। सेम कंडीशन उसमें भी रहेगी और इसमें भी सेम कंडीशन रहेगी। जब आपने पहली बार फॉर्म भरा था तो उसमें भी जो कंडीशन थी वो सेम कंडीशन इसमें भी रहेगी, ठीक है। और पुराना कोई लेन देन नहीं रहेगा, इसमें पूरे नए तरीके से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम था उनका कुछ नहीं, उन्हें भी नए आवेदन भरना होगा। तो इसलिए आप सभी तैयार रहिएगा, जैसे ही बैच 2 प्रारंभ होता है आप सभी को आवेदन इसमें करना है। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर आप सब जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।